इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को झटका लगा है। सत्येंद्र जैन पर 27 अगस्त तक सुनवाई टल गई है। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत मिल गई है। पूनम जैन को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। तो देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन बेकसूर हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल अगर कोर्ट की बात कर लें तो कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है सत्येंद्र जैन को। हालांकि पत्नी पूनम जैन के लिए राहत जरूर है। फिलहाल आपको बता दें, मामले में सुनवाई 27 अगस्त तक टल चुकी है। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को जमानत दे दी गई है। पूनम जैन को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, फिलहाल सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, हालांकि पत्नी के लिए आज के दिन फिलहाल कुछ राहत जरूर मिली है। देखिए, बिल्कुल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अगर हम सत्येंद्र जैन की बात करें तो उनकी मुश्किलें लगातार कम नहीं हो रही हैं। कल हमने देखा था, हालांकि हाई कोर्ट से उनको ज़रूर राहत मिली थी, जिसमें याचिका लगाई गई थी कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन आज राव सेवनी कोर्ट में जो स्पेशल जज हैं गीतांजलि गोयन, उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई जमानत याचिका पर, लेकिन अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हालाँकि जो उनकी पत्नी है पूनम जैन, उनको 1 लाख के निजी मुचलके पर जो नियमित जमानत है वो दी गई है। इसके अलावा वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी में, हालांकि इससे पहले यह माना जा रहा था कि पिछले 2 महीने से लगातार सत्येंद्र जैन की जो तबीयत है वो काफी बिगड़ रही है, ऐसे में उनको शायद आज जमानत मिल सकती थी, लेकिन अब जो उनकी न्यायिक हिरासत है वो 27 अगस्त तक बढ़ गई और 27 अगस्त को ही अंकुश जैन और जो वैभव जैन है उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि जो उनकी पत्नी है पूनम जैन, उनकी जमानत याचिका पर पहले से ही फैसला जो था वो सुरक्षित रखा गया था, ऐसे में उम्मीद यही थी कि आज जब गीतांजलि गोयल की बेंच बैठेगी तो शुरुआत में ही जो पूनम जैन है उनको जमानत मिल जाएगी, और तकरीबन हुआ भी वैसा ही। जैसे ही बेंच बैठी तो पूनम जैन को जमानत मिल गई, लेकिन जो उनके पति हैं सत्येंद्र जैन, उनकी जमानत याचिका पर आने वाली 27 अगस्त को सुनवाई होगी। नमित, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि सत्येंद्र जैन दरअसल बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही देखें तो कोर्ट से राहत किसी तरह से नहीं मिल पा रही है सत्येंद्र जैन को। देखिए, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार यही दावा कर रही है कि पिछले 3 महीनों में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को कोई पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिले हैं। हालांकि इन वादों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी जब भी राव सेवनी कोर्ट में सुनवाई होती है तो उस दौरान सबूतों को पेश करती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों अगर हम सत्येंद्र जैन की वकील की बात करें तो वो लगातार ये दावा करते आए हैं कि सत्येंद्र जैन की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। इस हवाले को लेकर उन्होंने जमानत याचिकाएं भी लगाई थी, लेकिन राव सेवनी से फिलहाल सत्येंद्र जैन को कोई राहत जो है वो नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि 27 अगस्त को जब फिर से सुनवाई होगी तो शायद उनको जमानत मिल जाए, क्योंकि जमानत पर आज भी जो है कोई बहस जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से पहले कई बार दलीलें रख चुके हैं दोनों पक्ष। तो ऐसे में उम्मीद है कि अब इंतजार 27 अगस्त का ही है कि क्या 27 अगस्त को भी सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी या नहीं, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने से लगातार वो जेल के अंदर बंद है और आम आदमी पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके जो है हमारी मंत्रियों को फंसाने की कोशिश कर रही है। पहले सत्येंद्र जैन को, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो क्योंकि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल को ही ज्यादा जोर देती है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते नजर आते हैं कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से केंद्र सरकार डर गई है, उसको रोकने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो अब उम्मीद 27 अगस्त की है कि 27 अगस्त को क्या सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी या नहीं। बिल्कुल नमित, सबसे अहम चीज़ है कि जो सत्येंद्र जैन को बेकसूर कहती है आम आदमी पार्टी, उन्हें कोर्ट में स्वास्थ्य हवालों से जमानत देने की बात कही जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।